हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटीएम करने के बाद भी आप अपने क्लाइंट की या फिर अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करोगे मेकअप के लिए। क्योंकि नॉर्मली लोग सीटीएम के बाद मेकअप स्टार्ट कर देते हैं एंड उनका मेकअप ना कुछ दिनों मतलब कुछ टाइम बाद या तो डस्ट काला पड़ने लग जाता है या तो ग्रे पड़ने लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी स्किन को ना किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए इस तरीके से क्लाइंट के फेस पे सीटीएम करने के बाद आप टोनर अप्लाई करोगे, रोज़ वाटर अप्लाई करोगे, जो भी आपके पास है वो अप्लाई करोगे। एंड इस तरीके से आप बहुत अच्छे से जो है रोज़ वाटर और टोनर थोड़ी देर तक लगा रहने दो, गार्नियर के मिसेलर वाटर से या फिर किसी भी मेकअप रिमूवर से अच्छे से क्रीम वो फेस को ना क्लीन करोगे, ठीक है। तो रोज़ वाटर और टोनर स्प्रे करने के बाद आप फेस में मॉइस्चराइज़र लगाओगे बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जिन स्किन पे एक्ने हैं, एक्ने क्योंकि ज़्यादातर ऑयली स्किन पे होते हैं तो हमें वहाँ पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र लगाना है। वो अलग बात है कि स्किन के टेक्स्चर के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइज़र हो या फिर प्राइमर हो, किसी भी चीज़ का हो सिलेक्शन करना है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे एंड आप देख रहे हो कि जब मॉइस्चराइज़र हमने लगाया तो फेस पे कितनी शाइनिंग आने लग गई और अच्छे से हाथ उंगलियों की हेल्प से देखिए इस तरीके से अच्छे से पेनिट्रेट करवाएंगे उसको स्किन में। उसके बाद हम प्राइमर लेंगे और प्राइमर आप ना जहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं, ये हमारा टी जोन एरिया होता है, यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करेंगे प्राइमर। और अगर आपके क्लाइंट की कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ना वहाँ पर दो प्राइमर यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक प्राइमर ले रखा है तो आप उसको पूरे फेस पे अप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आपके फेस पे दो तरह की स्किन है तो आप प्रोडक्ट भी दो तरह के यूज कर सकते हो, ठीक है, इनफैक्ट करना चाहिए आपको। तो देखिए इस तरीके से प्राइमर लगा रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, आपके आपकी उंगली पे मतलब कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं लगनी चाहिए, इतना क्लीन होना चाहिए आपका फेस, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मैं आपके लिए जरूरी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाती रहूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए इस तरीके से हमने जब प्राइमर अप्लाई किया तो आपको एक अलग ही शाइन देखने को मिल रही है। एंड प्राइमर लगाने के 10 मिनट बाद ही आपको मेकअप स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना प्राइमर की एक लेयर बन जाती है आपके फेस और आपके मेकअप के बीच में, ठीक है। तो प्राइमर क्या करता है, आपकी स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे कि मेकअप प्रोडक्ट आपकी स्किन को हार्म नहीं करें, ठीक है। तो इस वजह से प्राइमर का यूज़ किया जाता है। और प्राइमर का सही प्राइमर का मतलब सही स्किन के लिए सही प्राइमर का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप इसको ड्राई कर सकते हो, तो नॉर्मल अगर आपके पास फ़ैन नहीं है तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ से कर सकते हो। मैंने जल्दबाजी में ये आई शेडो का एक कवर था उससे करने गई, तो देखिए इस तरीके से जब ये धीरे धीरे सूख जाएगा एंड आप ना अपनी उंगली से टच करोगे तो आपको फील होगा कि हमारा जो प्राइमर है वो अच्छे से अपना काम कर चुका है। देन उसके बाद हम कलर करेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो कलर करेक्शन इसके बाद कलर करेक्शन का नंबर आता है, तो सही तरीका होना चाहिए कलर करेक्शन करने का, तभी आपका मेकअप एकदम परफेक्ट बनता है। तो वो वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। एंड इस पार्ट में मैंने आपको इस पार्ट में आपने सीखा है कि आप ना मेकअप के लिए स्किन को प्रिपेयर कैसे करोगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपका बेस एकदम फ्लॉलेस बने और मेकअप में क्रैक्स भी ना आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।